नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ कमज़ोर दुबले पतले बच्चों का वज़न जल्दी और हेल्दी तरीके से बढ़ाने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसे आप 10 महीने से ऊपर के बच्चों को लंच या डिनर में बनाकर दे सकते हैं। तो जब कभी आपके पास में समय कम हो, झटपट से बच्चों को कुछ हेल्दी बनाकर खिलाना हो, तो आप अपनी रसोई में से रखे सामान में से ही इस तरह से बच्चों का फूड बना सकते हैं और बच्चों को इसे खिला सकते हैं। तो फिर चलिए जल्दी से इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस हेल्दी रेसिपी को बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया है। अब हम ले रहे हैं पोहा, तो 3 छोटे चम्मच मैंने पोहा लिया है, इसे हम बाउल में डाल देंगे। अब हम ले रहे हैं 1.5 छोटा चम्मच, ये देखिए मैंने मूंग की दाल ली है बिना छिलके वाली। अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसे आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, देखिए हल्के हल्के ये फूल गई है। तो अगर आप चाहें तो दाल को इसमें डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप भिगोकर दाल इस्तेमाल करेंगे तो फूड थोड़ा सा जल्दी बनकर तैयार होगा। अब इसमें हम मिलाएंगे पानी, तो इसमें हम 1 गिलास पानी मिला देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सेम इसी प्रोसेस से इसे 2 बार अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए पोहा और दाल को मैंने 2 बार वॉश कर लिया है और अब रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें जो वॉश किया हुआ पोहा और दाल है इसे हम डाल देंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, तो एक बार आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम मिलाएंगे पानी, तो 1 बड़ा गिलास भरकर पानी हम डाल देते हैं। साथ ही हम इसमें मिलाएंगे 2 कली लहसुन की, आप चाहें तो लहसुन स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चुटकी नमक, थोड़ी सी हम ले रहे हैं काली मिर्च पाउडर, इसे डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। और अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे गैस पर रखकर 3 से 4 सीटी आने देंगे। तो ये देखिए कुकर को मैंने गैस पर रख दिया है, गैस ऑन कर लेते हैं और इसमें सीटी आने देंगे। तो कुकर में लगभग 4 सीटी आ चुकी है, प्रेशर भी ख़त्म हो चुका है। अब हम इसका ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखिए यहाँ पर हमारी सभी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। तो एक बार हम इसे चम्मच की हेल्प से इस तरह से मैश कर लेंगे, आप चाहें तो मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है, एकदम लिक्विड फॉर्म में ये आ गया है। तो अब इसके लिए हम एक तड़का बनाएंगे, तो तड़का बनाने के लिए गैस पर तड़का पैन रख दिया है, इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच घी और घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच मैंने जीरा लिया है, इसे डाल देंगे। थोड़ी सी हम राई ले रहे हैं, इसे डाल देंगे, आप चाहें तो राई स्किप कर सकते हैं। 1 पिंच हींग ले रहे हैं, इसे ऐड करेंगे। 1 चुटकी हल्दी पाउडर इसमें मिला देंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और तड़के को हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम मिलाएंगे 2 करी पत्ता, मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। और अभी हमारा तड़का बनकर तैयार हो चुका है और अब इसे हम फूड में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और अभी हमारी टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है छोटे बच्चों के लिए। तो बस अब आप इसे हल्का सा ठंडा होने पर बच्चों को इसे खिला सकते हैं। तो फूड अब हल्का ठंडा हो चुका है और अभी सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में और ये लीजिए बनकर तैयार है हमारे बच्चों के लिए हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी। तो देखा ना आपने, इस तरह से झटपट से आप हेल्दी फूड बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं, इससे बच्चों का पेट भी अच्छे से भरेगा और ये डाइजेस्ट होने में काफ़ी आसान है। और इसे आप 10 महीने से ऊपर के बच्चों को लंच या डिनर में बनाकर दे सकते हैं। साथ ही आप इसे सप्ताह में 2 से 3 बार बनाकर खिला सकते हैं, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यकीन मानिए, अगर आप इस तरह से फूड बनाकर अपने बच्चों को खिलाएंगे तो ये स्वाद में बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा, बच्चा इसे खाने से कभी मना नहीं कर पाएगा। तो कैसी लगे आपको आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की नई नई और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।